जम्मू में जिस तरीके से कश्मीर में या पूरे देश में हुआ कि सब लोग बहुत ज़्यादा एक तो शॉक में थे, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है शुरू में, लेकिन ये लगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, पार्लियामेंट में लेके गए, तो उस समय एटलीस्ट सिटी में ऐसे लगा कि लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहाँ पे एक सेंटिमेंट रहा है कि आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए। काफ़ी देर से ये सेंटिमेंट रहा है 1950 से, तो उस समय लगा कि खुश हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ते जैसे पता चलनी शुरू हुई चीज़ें कि क्या हो, इसका क्या रेपरकशंस होंगे, क्या नहीं होंगे, मेरे को लगता है कि थोड़ी रीथिंकिंग हुई है जम्मू की पॉपुलेशन में। वो सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इस स्टेट को। इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हो, बल्कि ऐसा होता है कि जो यूटीज़ हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं और स्टेटहुड लेती हैं। तो इसलिए मैम ये कम्प्लीटली अगेंस्ट द एथोस ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर देर इज़ नो नीड ऑफ सच अ डिसीजन। ये एक कह सकते हैं कि फासिस्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जिस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस था आप वही देखिए, ये कम्प्लीट सीक्रेसी रखी गई, कुछ भी नहीं, आर्म फोर्सेस डिप्लॉय की गई और उसके बाद ना तो डिबेट्स हुई इस पर। एक दिन में बिल पेश किया जाता है, उसी दिन पास कर दिया जाता है, एक हाउस से दूसरे हाउस से भी पास करके उसी दिन। मतलब इतना क्या होगा कि आप डिबेट भी नहीं चाह रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक तो ये डाउनग्रेडेड स्टेटस है, तो एक स्टेट का दर्जा होने के बाद एक यूटी बनना, ये तो एक अपने आप में एक पहला एक्सपेरिमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, और एक एक्सपेरिमेंट है जो उल्टी दिशा में चल पड़ा है। तो उस चीज़ को लेके उनको लगता है ये एक ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस है। दूसरा है कि यूटी स्टेटस के साथ अभी तो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, लेकिन बात ये चल रही है कि जम्मू कश्मीर में एक असेंबली होगी, लेकिन वो असेंबली पहली की तरह असेंबली नहीं है, वो एक कंट्रोल्ड असेंबली है। तो जो आम पब्लिक के लिए, जो उनके लीडर्स हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो एक बफर होता है। वो उनको लगता है अब अगर हमारी जो लीडरशिप ही पावरलेस है तो हमारे पास पावर कहाँ से आएगा। एक्चुअली अगर आप देखें, ग्राफ देखें, तो डेवलपमेंट, जॉब्स, इंडस्ट्रीज, ये सब नीचे गिरा है, ना कि ऊपर गया है। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से करोड़ों का लॉस हर दिन हो रहा है, और ट्रेडर्स वगैरह जो बाकी कम्युनिटीज़ है हमारी, वो भी लॉस में ही चल रही हैं। और एक्चुअली ये एक चीज़ है कि इस तरह से बोला कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट बिना यूटी बनाई नहीं हो सकती क्या? बाकी स्टेट्स डेवलप नहीं है, गुजरात डेवलप नहीं है, राजस्थान डेवलप नहीं है, तो उन स्टेट्स को भी तो फिर सबको यूटी बना दो फिर आप डेवलपमेंट। अगर यूटी के बिना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हो तो ये तो कोई मसला नहीं है, ये बस एक चीज़ को छुपाने के लिए है मैम, एक नाम दिया गया है और कुछ नहीं है ये। तो वो जो एक सेंटिमेंट था, एक तो डोगरा सेंटिमेंट था कि उनकी एक जो डायनेस्टी थी उन्होंने एक स्टेट कंस्ट्रक्ट की थी, ये पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर जो है गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट की थी, तो एक वो लगा कि हमारी स्टेट को वो एक तो काट दिया गया और तोड़ दिया गया, ऊपर से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो एक वो थोड़ा सा धक्का लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें जो आनी शुरू हुई, तो सबसे पहली चीज़ तो यही हुई कि हाँ, बिज़नेस कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा हिट ही वो हुई है, और बिज़नेस कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल स्टेट में है वो जम्मू रीजन में है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो जम्मू रीजन में है। When we come to losses, the Kashmir Chamber recently said that there was a loss of 18,000 crores. Well, I'll put it like that, this is a vague figure. Actually, we have represented to the Lieutenant Governor and we have requested for a foreign constitution of a high level panel where every businessman should lodge his losses individually and assign the reasons, because in the past we used to get packages. Now that is not going to happen in the union territory unless we justify our losses, on what account we have lost. So I think very soon a panel will be constituted, as we have been assured by the Honorable Lieutenant Governor, and we think that every loss will be compensated in the coming days. Effect jo hai wo Jammu ko zyada karega, agar bahar se log aayenge to wo Jammu ko effect zyada karega, kyunki Kashmir is samay halaat aise hain ki koi jayega nahi wahan pe, kisi ko bhi industry set up karni hai wo Jammu mein hi aayega,
किसी को भी अगर किसी तरीके की यहाँ पे बिजनेस करनी है वो जम्मू में ही आएगा। हालात कश्मीर के इस बहुत ही उस जिस तरीके से बने हुए हैं, अगस्त 5 से या उससे पहले की भी बात है, जिस तरीके से बने हुए हैं बिजनेस चलाना मुश्किल है वहाँ पे। इतना ज़्यादा स्टेट कंट्रोल है वहाँ पे कि कुछ करना मुश्किल है, जिसके लिए कोई भी आपको जिसको वो घड़ी घड़ी कहते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है ईज़ ऑफ बिजनेस होना चाहिए तभी बिजनेस चलेगी, वो ईज़ ऑफ बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है कश्मीर में इस समय। लोग ज़्यादातर इसके बारे में बात इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है शायद एक नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्व नहीं होएगा अगर हम भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। दूसरा एक खौफ का माहौल भी है, वो देख चुके हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, आर्टिकल 35A के हटने के बाद, तो कश्मीर में जैसे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया है, जम्मू में भी उसी तरह से बहुत सारे लीडर्स जो थे वो हाउस अरेस्ट में थे काफ़ी देर तक, और कोई अगर पिछले महीने जैसे 3 कांग्रेस के लीडर्स यहाँ से कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो उनको रामबन में रोक के डिटेन करके वापस कर दिया गया, तो एक खौफ का माहौल है यहाँ भी।